स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आइए प्रश्नों को शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह टॉपिक टू टॉपिक है। अगर जैसे कि आप देख लीजिए, सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित और तर्क परीक्षण, कंप्यूटर जैसी प्रमुख संस्थाओं जो कि आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करती है। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और नोट्स की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रक्षा औद्योगिकी गलियारे स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ए और बी, या फिर न तो ए और ना ही बी। आपको बता दें कि जो भारतीय राज्य में सुरक्षा औद्योगिक जो गलियारे हैं यह ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में ही क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। आइए देखते हैं। भारत में दो रक्षा औद्योगिकी गलियारे स्थापित किए गए हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। दोनों के आपको नाम याद रखने हैं, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा क्या है, तमिलनाडु। क्या किया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर भारत ने दो रक्षा औद्योगिकी गलियारे स्थापित किए हैं। ऑप्शन है आपके पास आगे कि इसके अनुसरण में रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश रक्षा वाली जो गलियारा है उसमें 6 और तमिलनाडु रक्षा गलियारे में 5 नोट्स की पहचान की गई है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डीआरडीओ की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी स्थापित की है? ऑप्शन है आपके पास बेंगलोर, चेन्नई, चंडीमल या फिर नई दिल्ली। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बेंगलोर। आइए देखते हैं। डीआरडीओ ने डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु में एक SPO2 पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। क्या प्रणाली है? पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाइपोक्सिया क्या है? ऑप्शन है आपके पास पहला, यह एक ऐसी अवस्था है जहां ऊतकों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा शरीर की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा, हाइपोक्सिया की शुरुआत लक्षण भ्रम, बेचैनी इत्यादि है। आपको बता दें कि हाइपोक्सिया के बारे में यह दोनों ही कथन सत्य है। आइए देखते हैं। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जहाँ ऊतकों तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। COVID-19 पॉजिटिव रोगियों में इस प्रकार की स्थिति पाई गई है। यह मौजूदा संकट का एक प्रमुख कारक भी है। हाइपोक्सिया की शुरुआत लक्षण जो है वह क्या है? भ्रम, बेचैनी, सांस लेने में कमी आदि। अधिकतर लोग भ्रम के कारण, जैसे कि आप अगर आपके माइंड में चल रहा है कि आपको कोविड हुआ है, तो अपनी जो बॉडी है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वह यह चीज़ें अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो उस तरह के ही मूवमेंट करता है। तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहना है पहले तो यह चीज़ें, ठीक है? तो इसके लक्षण भी यही बताए गए हैं कि एक पहला तो भ्रम हो जाएगा, दूसरा बेचैनी, तीसरा क्या है, सांस लेने में कमी इत्यादि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है आपके पास जस्टिस एम पतंजलि शास्त्री, न्यायमूर्ति बिजन कुमार मुखर्जी, न्यायमूर्ति ए के सरकार या फिर न्यायमूर्ति हरिलाल जे के सुंदरदास कन्या। आपको बता दें कि भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह न्यायमूर्ति हरिलाल जे की सुंदरदास कन्या थे। क्या नाम था इनका? न्यायमूर्ति हरिलाल जे के सुंदरदास कन्या। आइए इनके बारे में देखते हैं।
कह रहा है कि न्यायमूर्ति हरिलाल जे के सुंदास कर्निया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन कुल मिलाकर भारत के पहले जो मुख्य न्यायाधीश है श्री सर मॉरिस ग्वेलियर, जो कि 1 अक्टूबर 1937 से 25 अप्रैल तक 1943 तक थे। तो आपको दोनों ही नाम याद रखना है, पहला क्या हैगा न्यायमूर्ति हरिलाल जे के सुंदास कन्या, और दूसरा क्या है जो कि भारत के पहले जो मुख्य एक इनका नाम भी आता है कि अक्सर श्री सर मैरिस ग्वेलियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, भारत का संसदीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन है आपके पास 1 जून 1934, 8 सितंबर 1936, 1 अक्टूबर 1937 या फिर 10 नवंबर 1939। आपको सही जवाब बता दें इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1 अक्टूबर 1937 में भारत का संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया था। आइए देखते हैं, 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया। 1937 से 50 के बीच भारत का जो संघीय न्यायालय है इसने कार्य किया, यानी कि 37 से 50 तक क्या कार्य किया था, संघीय न्यायालय ने कार्य किया था। तो आपको याद रखना है कि 1 अक्टूबर 1937 क्या हुआ था, भारत का संघीय न्यायालय अस्तित्व में आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लंबे समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन है आपके पास जस्टिन वाई ई चंद्रचूड़, जस्टिन दीपक मिश्रा, जस्टिन कमल नारायण या फिर न्यायमूर्ति ए एस आनंद। आपको बता दें कि अधिक समय तक रहने वाले जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़। आइए इनके बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। जस्टिन वाई वी चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीश, जो कि फरवरी 1978 जुलाई से 1985, यानी कि फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक थे, जिन्होंने 2696 दिन की सेवा की, जबकि जस्टिस कमल नारायण जो थे सिंह, इन्हें सबसे कम सेवा की थी, कितनी, 21 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक ही मात्र 17 दिन के थे। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक, तो आपको नाम याद रखना, सबसे अधिक में किसका नाम आ जाएगा, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, और सबसे कम 17 दिन का ही था सिर्फ, किसका था, तो कमल नारायण सिंह का, जो कि सबसे कम सेवा इन्होंने दी थी, कितने दिनों की, मात्र 17 दिनों की, नाम याद रखना है सबसे कम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने पहली जनसंख्या गणना कब हुई थी। ब्रिटिश शासन में जो पहली जनसंख्या गणना है वह कब हुई थी, 1853, 1867 या फिर 1872। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1872 में ब्रिटिश भारत में पहली जनसंख्या जो जनगणना है वह हुई थी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश भारत में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष 1872 में आयोजित की गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली जनसंख्या 1951 में आयोजित की गई थी। पहली जो थी वह कब, 1872 जो कि ब्रिटिश भारत में पहली थी, और स्वतंत्र भारत की जो पहली थी वह कब थी, तो 1951 में आयोजित की गई थी, और तब से प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन, आपको दोनों याद रखना है कि स्वतंत्रता के पहले कब हुई, सबसे पहले तो 1872, स्वतंत्रता के बाद 1951, और उसके बाद अब जो कि है हर वर्ष, मतलब कि 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला, ब्राउन हाइड्रोजन कोयला गैसीकरण के माध्यम से बनता है। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, जो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो 8वें का सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो ग्रीन हाउस का, जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण इलेक्ट्रोसिस के माध्यम से तो किया जाता है, जो इसका जो काम रहता है वो क्या रहता है, जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने का क्या है, एक प्रक्रिया है। आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है, यह भी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन है। ब्राउन हाइड्रोजन कोयला गैसीकरण के माध्यम से बनता है,
यानी कि पहला ऑप्शन जो आपका है वो गलत है, या क्योंकि ब्राउन जो हाइड्रोजन कोयला है यह गैसीकरण के माध्यम से बनता है। दूसरा वही है, ग्रीन हाउस का उत्पादन तब किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन तब किया जाता है जब इलेक्ट्रोसीसी द्वारा पानी को विभाजित करने के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इस तरह आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा है? किसके लिए? जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा से संबंधित संविधान का जो अनुच्छेद है वह पूछा गया है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 29। आपको बता दें इसका जो सही जवाब होगा वो आपको अनुच्छेद 29 होगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित भारतीय संविधान में क्या अनुच्छेद 29 है? आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है। देखो दो 25 से 28 तक क्या आएगा, 25 से 28 तक भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता है वह प्रदान करते हैं, और 29 से 30 में क्या आ गया है, अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण में संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में ही आपको बताया था। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने 1 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है आपके पास, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसके बारे में आप जितनी भी जानकारियाँ जानते हैं वह भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए तभी तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।